नमस्ते जी वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है आज का हमारा विषय है प्रातः काल हमें किन किन का स्मरण करना चाहिए आज के हमारे इस लेख के लेखक के वैदिक विद्वान डॉक्टर अशोक कार्य गाजियाबाद से इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए प्रेरणादायक कहानियों के लिए महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बेल आइकोन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करें धन्यवाद आइए आगे बढ़ते हैं विषय की ओर चलते हैं हम पूछा को पुकारें अर्थात हम प्रातः काल जो है पूषा का अर्थ होता है आज्ञा का पालना हम इस बात का स्मरण रखें इस बात का जो है नियम बना लें कि प्रातः काल हम जो है आज्ञा पालने के संबंध में संकल्प लेंगे आज्ञा पालना अर्थात प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे और प्रभु की आज्ञा जो है जिस प्रकार बड़ों की आज्ञा का पालन किया ही जाता है वेद वाणी जो है वेद के मंत्र जो है प्रभु की वाणी है उनका पालन हम करेंगे वेद मंत्रों के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे और ये जरूरी भी है जिस प्रकार हम अपने शरीर में ही देख लें अगर शरीर के अंदर सर जैसे प्रमुख होता है बड़ा होता है उसकी बात अगर बाकी अंग मानना कम कर दें बंद कर दें जैसे कि हाथ अगर सर की बात ना माने मस्तिष्क की बात ना माने तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी हमारा शरीर काम करना कम कर देगा बंद कर देगा अगर पैर जो है वो बात मानना मना कर दे मस्तिष्क की तो समस्या खड़ी हो जाएगी इसी प्रकार हमें जो है परमपिता परमात्मा की आज्ञा का पालन करना चाहिए और परमेश्वर की आज्ञा जो है वेद के अंतर्गत वेद मंत्रों के अंतर्गत परमेश्वर की वाणी हमारे सामने है उनका हमें पालन करना चाहिए हम बृहस्पति को पुकारें अर्थात आदेश जो होता है उस पर कुछ शंकाएँ होती हैं समाधान होते हैं हमारे शंकाएँ जो होती हैं कुछ प्रश्न होते हैं उनको पूछना होता है किसी से जो उन पर सलाह दे सके उचित उचित मदद कर सके इसके लिए हमें बृहस्पति को पुकारना चाहिए अर्थात वेदों के जो विद्वान हैं उनकी संगति में जाकर अपने प्रश्न पूछने चाहिए अपनी शंकाओं को पूछना चाहिए उन शंकाओं को समाधान प्राप्त करना चाहिए हम सोम को भी पुकारें हम स्वाध्याय से अपनी सब समस्याओं के समाधान करने के पश्चात इस अवस्था में आ जाते हैं कि को हैं। सोम को पुकारें सोम अर्थात शक्ति भी होती है स्वाध्याय से हमें मानसिक शक्ति मिलती है हम अपने कार्य को संपन्न करने के लिए सशक्त हो जाते हैं तन्मयता से उस कार्य में लग जाते हैं अनेक मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो यह सब मार्गदर्शन मिलने पर भी कुछ विशेष नहीं कर पाते उनके जीवन में पुरुषार्थ की भावना भी नहीं होती ऐसे लोग मंदबुद्धि होते हैं या तो या फिर कामचोर होते हैं ऐसे लोगों को तो दंड देने के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं रह जाता इसीलिए मंत्र के अपने अंतिम भाग में कहता है कि ऐसे लोगों के लिए रुद्र को उपकारें जो इन की दुर्भावनाओं का विनाश करेगा प्रातः सोम मुतम रुद्रम हुवेम इस मंत्र के यह अंतिम मंत्रांश अर्थात प्रातः सोम मुतम रुद्रम हवीम के माध्यम से निराशा पर निशाना साधा गया है इसमें बताया गया है कि आनंद वर्षक प्रभु का हमें निरंतर चिंतन करना चाहिए प्रभु के इस चिंतन में भी हमें अनेक रूप होते हैं इन रूपों में से प्रभु के रुद्र रूप भी एक हैं अनेक लोग प्रभु का चिंतन इस रूप में करते हैं क्योंकि रुद्र का भाव होता है रुलाने वाला भयभीत करने वाला बस इस रूप का चिंतन करने से उनका अभिप्राय होता है कि वह उसके भय से भयभीत होकर कभी बुरे कर्म ना करें जब वह उसके इस रूप का चिंतन करते हैं तो स्वयं को बुरे मार्ग से तो बचा लेते हैं किंतु चिंतन से आनंद नहीं मिलता प्रतिक्षण भय के वातावरण में रहने से कभी आनंद मिला ही नहीं रहता जब मनुष्य प्रभु के न्यायकारी रूप का चिंतन करता है तो उसे पापों से निवृत्ति संभव हो जाती है किंतु केवल इस मार्ग से उसे आनंद अर्थात शांति रूपी जीवन की प्राप्ति नहीं होती हां रुद्र के साथ जब प्रभु के सोम रूप का भी चिंतन करते हैं तो हमें शांति शांति का स्त्रोत प्राप्त होना संभव हो पाता है इस प्रकार का उपदेश वेद के अनेक प्रकरणों में मिलता है प्रातः उठकर जिन मंत्रों के गायन का प्रभु ने वेद में हमें आदेश दिया है उनमें से उस प्रथम मंत्र की यह शक्ति हमें उपदेश कर रही है कि हम प्रातः काल उठकर दुष्टों को बुरी प्रवृत्ति वालों को रुलाने वाले और शांति के स्रोत प्रभु का स्मरण करें उसका चिंतन मनन करें यह प्रभु के जिस उपदेश को मंत्र द्वारा उपदेशित किया गया है वाह विषाद और निराशा को दूर करके प्रसन्नता को प्राप्त करना वेद में इस तथ्य का अधिक बल दिया गया है इतना ही नहीं इस तथ्य का एक नहीं सैकड़ों मंत्रों में विधान किया गया है सुखी होकर अचल नियमों को धारण कर मानव जीवन में कुछ नियमों को धारण करता है मानव जीवन पर्यंत कुछ ऐसे नियमों को धारण करने में लगा रहता है यह नियम अचल होते हैं क्योंकि यह नियम जगत के उद्धार के लिए होते हैं इन नियमों को धारण करने वाला प्राणी स्वयं अत्यधिक सुखी होता है इस कारण यह संपूर्ण जगत के प्राणियों में सुख करने के लिए इन नियमों में बंधा रहता है ऋग्वेद और सामवेद का जहाँ मंत्र इस प्रकार उपदेश कर रहा है मंत्र इस प्रकार है वृषाशोम धुमाशी वृषा वृषमतः वृषा धर्माणि दधित्रे ऋग्वेद नौ चौसठ एक सामवेद सात सौ इक्यासी सोम से अभिप्राय शांति से होता है इसीलिए सोम शांति का स्त्रोत भी होता है इसीलिए मंत्र में सोम के माध्यम से शांति के स्त्रोत सोम को संबोधित करते हुए कहा गया है कि हे शांति के स्त्रोत सोम देव वृषा तो वृषा है अर्थात तू सदा सुख और आनंद की वर्षा करने वाला है दयुमान इस शब्द का अर्थ है प्रकाशक अतः तू सब प्रकार के सुखों का सब प्रकार के, के प्रकाशों का प्रकाशक भी है वृष वृषासी हे प्रकाशक प्रभु अर्थात हे सब प्रकार के सुखों के प्रकाशक प्रभु तू न केवल सुखों की वर्षा करने वाला है अपितु सब प्रकार के आनंदों की वर्षा भी तू करता है इस कारण तू आनंदों का वर्षक भी है वर्षाधर्मा इन शब्दों में कहा गया है कि हे प्रभु तू सुख वर्षक होने के कारण अचल है सब प्रकार के सुखों का ग्रहण करने वाला हे अचल प्रभु तू जगत का उद्धार करने वाले नियमों को धारण करता है इन शब्दों के माध्यम से मंत्र ने प्राणी मात्र को यह उपदेश किया है कि प्राणी जिस प्रकार यह प्रभु सुख स्वरूप होने के कारण अचल है अचल होने के कारण वह सदा आनंदों की वर्षा करता है इस प्रकार ही तू भी सुख स्वरूप बनकर अपने आप को अचल बना ले ताकि तू भी सुखों की आनंद की वर्षा कर सके इस प्रकार की प्रवृत्ति से अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाने का अचल बनाने का कार्य करते हुए सबको आनंद स्वरूप बनाने में समय लग जा यह सब कार्य तू तो कर पाएगा जब तू तो प्रभु की शरण में जाकर अपने निकट आसन लगा लेगा उनके उस प्रभु की स्तुति रूप उपासना और प्रार्थना करते हुए उस प्रभु के उपदेशों पर चलेगा मंत्र में उपदेश करते हुए एक ही मंत्र में वर्षा शब्द चार बार दोहराते हुए पाठ किया गया है इस चार बार में पुनरुक्ति हमें यह संदेश देती है कि इस मंत्र के अनुरूप ही हम सब प्रकार के विषादों सब प्रकार की निराशा का नाश करके आनंद को प्राप्त होवे इसीलिए जो है प्रभु के स्मरण करना चाहिए और इसी के साथ इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए प्रेरणादायक कहानियों के लिए महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट करें धन्यवाद